दोस्तों आपको रामानंद सागर द्वारा निर्देशित पौराणिक सीरियल रामायण में रावण का किरदार तो याद ही होगा, जिसे अरविंद त्रिवेदी द्वारा निभाया गया था। हालांकि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्हें इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई और भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है और साथ ही साथ टीवी सीरियल में भी काम किया। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता जिस तरह रामायण में रावण के किरदार में नजर आए थे, उसी तरह उन्होंने 90 के दशक में एक एक्ट्रेस पर हाथ तक उठा दिया था। ऐसी क्या वजह थी जो अरविंद त्रिवेदी को 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री पर हाथ उठाना पड़ा, जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दरअसल बात उस दौर की है जब डायरेक्टर प्रेम सागर द्वारा साल 1979 में हम तेरे आशिक हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और लीड एक्टर जितेंद्र थे। फिल्म में हेमा मालिनी के मामा अरविंद त्रिवेदी बने थे। इस फिल्म में एक एक्ट था जिसमें अरविंद त्रिवेदी को हेमा मालिनी को एक थप्पड़ मारना था, लेकिन अरविंद त्रिवेदी हेमा मालिनी को थप्पड़ नहीं मार पा रहे थे, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तब प्रेम सागर ने अरविंद त्रिवेदी से पूछा कि तुम हेमा मालिनी के थप्पड़ क्यों नहीं मार पा रहे हो। तब अरविंद ने कहा कि हेमा मालिनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक मशहूर एक्ट्रेस है और इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में की हैं, तो मैं हेमा मालिनी को थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ। तब प्रेम सागर ने कहा कि आप अपने माइंड से यह निकाल दो कि हेमा मालिनी इंडस्ट्री की एक मशहूर एक्ट्रेस है। तब अरविंद त्रिवेदी ने अपने माइंड से यह ख्याल निकाल दिया कि हेमा मालिनी एक मशहूर एक्ट्रेस हैं। तब जाकर अरविंद हेमा मालिनी को एक थप्पड़ मार पाए और यह सीन शूट हो सका। अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले अरविंद त्रिवेदी हार्ट अटैक की वजह से 6 अक्टूबर 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो दोस्तों अरविंद त्रिवेदी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।